नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश में आचार संहिता से पहले बैन हट गया है, जिसके चलते कर्मचारियों को राहत की सांस जरूर मिली है। तो क्या ये खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रदेश में आचार संहिता से पहले ट्रांसफर से बैन हटा, मंत्री खुद कर सकेंगे ग्रुप सी और डी के तबादले। हिमाचल में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से रोक हट गई है। पिछले कल मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में आदेश जारी किए। प्रतिबंध हटने के बाद अब कैबिनेट मंत्री अपने विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के ट्रांसफर खुद कर सकेंगे। ग्रुप ए और बी के तबादला आवेदन मुख्यमंत्री की मंजूरी से होंगे। वहीं जारी आदेशों के अनुसार तबादलों पर से रोक 2 से 31 मार्च तक हटाई गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में कभी भी लग सकती है। इसलिए लोकसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित होते ही तबादलों पर भी खुद ही रोक लग जाएगी। हालांकि इससे पहले यदि किसी कर्मचारी ने अपनी ट्रांसफ़र करवानी है तो वह अपने विभाग या हेड ऑफ ऑफिस के माध्यम से आवेदन कर सकता है, जहां तबादलों के आवेदन में मुख्यमंत्री से मंजूरी की ज़रूरत होगी तो वो केस भी कैबिनेट मंत्री के माध्यम से सीएम। तो संक्षिप्त रूप से यह है बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता से पहले ट्रांसफ़र से बैन हट गया है, जिसके चलते मंत्री अब खुद ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के तबादले कर पाएंगे। तो अभी के लिए यह है बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम, दुआ तवीजों द्वारा किया कराया, घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म, गृह क्लेश काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।